आप भारत की संसद के आदेश को सुनते रहते हैं, उन्हीं ने ये काले कानून का आदेश दिया। उन्होंने चार लेबर कोड देश के जनता पर, मजदूरों पर जो है थोपने का उन्होंने आदेश दिया। जन संसद ने क्या आदेश दिया है ये देश और दुनिया को मालूम होना चाहिए। मोदी शासन से लॉकडाउन में थोपे गए तीन कानूनों का पूर्ण विरोध करते हैं। जो भी लोग आसपास खड़े कृपया करके सामने आइए सब लोग। जो भी लोग खड़े थोड़ा सा जगह बना करके, आपने बारिश की चिंता नहीं की, टेंट टूट गया गिर गया इसका पता नहीं चला। उसके पहले जनादेश जो पूरी के पूरा हुआ है, मैं उसको मुझे लगता है कि आपके भाषण के बाद पढ़ूंगा ये जो जनादेश आज के उससे तैयार हुआ है। ये जो जनादेश है मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज की जनसंसद का क्या आदेश है। आप भारत की संसद के आदेश को सुनते रहते हैं, उन्हीं ने ये काले कानून का आदेश दिया। उन्होंने चार लेबर कोड देश के जनता पर, मजदूरों पर जो है थोपने का उन्होंने आदेश दिया। जनसंसद ने क्या आदेश दिया है ये देश और दुनिया को मालूम होना चाहिए। मैं इसे पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ। नर्मदा घाटी में 1985 से चले संघर्ष और निर्माण कार्य के आज 17 अगस्त 2021 के रोज 36 साल पूरे हो चुके हैं। इस प्रतीक संघर्ष में नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के आदिवासी किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, कारीगर, व्यापारी, केवट, कुम्हार सभी ने अपनी पूरी जनशक्ति जुटाकर न केवल सरदार सरोवर बल्कि नर्मदा और उपनदियों पर बनाए गए अनेक मझोले बांधों के सामाजिक, पर्यावरणीय असर एवं आर्थिक लाभ हानि के दावों को चुनौती दी और विकास की अवधारणा पर सवाल उठाए। तीन राज्यों और केंद्र सरकार की ओर से जबरन भूमि अधिग्रहण, नर्मदा घाटी की उपजाऊ भूमि, पहाड़ी जंगल व लाखों पेड़ तथा सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर का विनाश, विकृत विकास का किसान विरोधी नजरिया का यह प्रतीक रहा। 1894 के कानून को आधार बनाकर किया गया भूमि अधिग्रहण विभिन्न समुदायों की आजीविका के साधनों को छीनता, दबाता और नष्ट करता रहा। घाटी के किसान और मजदूरों ने अपने अहिंसक सत्याग्रही संघर्ष से ही उनकी भरपाई पुनर्वास के रूप में हासिल की और कुल 50,000 से अधिक परिवारों को तीनों राज्यों में आवास के लिए भूखंड दिलवाए। 20,000 परिवारों को 2 हेक्टेयर खेती की भूमि या उसके बदले में 60 लाख रुपए की नकद राशि भी कुछ परिवारों को प्राप्त हुई। विकास के नाम पर विस्थापन के खिलाफ किसानी, प्रकृति और जीने का अधिकार बचाने का संघर्ष देश के जन आंदोलनों का अनोखा आदर्श बना, जो आज भी बचा हुआ कार्य पर्यावरणीय आघात के, किसान विरोधी नीति कानूनों को चुनौती आदि के लिए जारी है। नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ के संकल्प के साथ में नर्मदा घाटी का ही हिस्सा बने उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ते गए और आज इस क्षेत्र के मालिकों के अन्याय, गैर कानूनी, मनमानी छतनी या स्वैच्छिक कहकर अनैच्छिक रूप से थोपी गई सेवा निवृत्ति, क्या बेरोजगारी भी आज संघर्ष का मुद्दा बना है। इसके लिए श्रमिक जनता संघ के द्वारा श्रमिक शक्ति मालिकों और मजदूरों के रिश्ते बनाकर मजदूरों को उनका हक दिलाकर रहेगी, यही उद्देश्य है। रोजगार ही जीने का अधिकार है, जिसे बचाने और बढ़ाने के लिए शासन की ओर से रोजगार मूलक औद्योगिकरण ही विकास है। यह समझकर समाज और शासन के बीच भी संवाद स्थापित करने, आज की अर्थव्यवस्था में समतावादी व न्यायपूर्ण परिवर्तन लाने की ओर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ 2017 से और संयुक्त किसान मोर्चे के तहत 26 नवंबर 2019 से जोकर नर्मदा घाटी के और मध्य प्रदेश के विभिन्न किसान, मजदूर, प्रकृति और मेहनत पर जीने वाले समुदायों के साथी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कृषि और आजीविका छीनने वाली, गैर बराबरी बढ़ाने वाली नीतियों और कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आज की जनसंसद में
नर्मदा घाटी के सभी समुदायों के संघर्ष और निर्माण में शामिल प्रतिनिधियों ने अपनी हकीकत, अपना नजरिया, अपनी मांगे आपके सामने रखी। अन्य संगठनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभापति मंडल की ओर से उन्हीं के आधारित जनादेश और जन समर्थन और सहमति के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये प्रस्ताव आप ध्यान से सुनिएगा और आपको अगर सहमति होगी तो हाथ उठा करके राकेश टिकैत जी आपसे पूछेंगे और हाथ उठा करके सहमति दीजिएगा। पहला प्रस्ताव, देश के हर राज्य में नदी घाटी में जैसे नर्मदा में 1894 के कानूनों से होता जा रहा जबरन भू अधिग्रहण जनतंत्र के विरोधी साबित होता रहा है, ग्राम सभा और पंचायती राज का अधिकार छीनता रहा, खेती और प्रकृति के विकास के साथ विस्थापन थोपता रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष से 2013 में पारित हुआ नया भू अर्जन पुनर्वास कानून भी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अमल में नहीं लाया जा रहा है। इस कानून के तहत ग्राम सभा का सहभाग और खेती अधिकतर बचाने, पर्यावरण की रक्षा और न्यायपूर्ण पुनर्वास हर परियोजना में होना जरूरी है। आदिवासियों के स्वशासन का अधिकार संविधान में है और 1996 में पारित हुआ पेशा कानून भी, लेकिन मध्य प्रदेश में जल जंगल जमीन पर हक देने वाले कानून को सही नियम बनाकर अमल में नहीं लाया जा रहा है। जरूरी है कि शासन पेशा के आधार पर ही विकास नियोजन करे और उसके उल्लंघन की कोई नीति या कानून आदिवासियों पर नहीं थोपे। नर्मदा घाटी जैसे हर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर आदिवासियों की सहमति से ही विकास करना होगा, उन्हें उजाड़ कर विकास मंजूर नहीं होगा। विकास योजनाओं के लाभों में उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा नंबर का प्रस्ताव, नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर और अन्य बांधों के हर विस्थापित और प्रभावित परिवार को वैकल्पिक आजीविका, आवास और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। किसान, मजदूर, मछुआरे, केवट, कुम्हार, कारीगर, दुकानदारों को आजीविका के साधन उपलब्ध करने और उसके लिए तत्काल नियोजन, वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शासन जिम्मेदार है और रहेगी। चौथा प्रस्ताव, नर्मदा और हर नदी घाटी के पारंपरिक विस्थापित मछुआरों को सरकारी संस्थाओं के तथा मत्स्य संघ के द्वारा मत्स्य का हक प्रदान किया जाए। सरकार सरोवर में बाहरी ठेकेदारों या मजदूरों को न लाया जाए। पांचवा, नर्मदा घाटी और मध्य प्रदेश के किसान और अपनी खेती बचाने के लिए मोदी शासन से लॉकडाउन में थोपे गए 3 कानूनों का पूर्ण विरोध करते हैं। कृषि क्षेत्र में कंपनियों की घुसपैठ, मुनाफाखोरी और जमाखोरी के खिलाफ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।